गंगानगर के कैसे सिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीगंगानगर जिले के कैसे सिंहपुर कस्बे के सीमावर्ती गांव एक वी में खेतों में ग्रामीणों द्वारा एक बाघ प्रशिक्षित बाज को देखा तो तुरंत कैसे सिंहपुर थाने को सूचित किया गया। थाने ने सूचित होने के बाद बाज को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसे ट्रांसमीटर माइक्रोचिप पर पैरों में छल्ले बंधे हुए थे जिन्हें अब भिजवा दिया गया। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस थाना भवन व समेजा उप तहसील भवन का लोकार्पण आज राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व सांसद निहाल चंद मेघवाल ने अपने कर कमलों से किया। हम आपको बता दें कि सबसे पहले रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में कवरेज कर पुलिस जवानों की पीड़ा उजागर की थी। खबर के मद्देनजर सरकार ने लोकार्पण करने का कार्यक्रम रखा। जल संसाधन मंत्री ठीक तीन बजे समेजा पहुंचे। मंत्री ने थाने के अंदर भी व्यवस्था का जायजा लिया। सबसे पहले कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद मेघवाल ने सरकार की कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। उसके बाद मौके पर ही वहां के लोगों की समस्याओं को सुना गया और लोगों से इस बारे में चर्चाएं की गई। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सांसद निहाल चंद मेघवाल और वहां पर मौजूद डॉक्टर राम प्रताप जो सिंचाई मंत्री है उन्होंने भी इस बातों पर पूरा बताया और सरकार के हर काम का बखान किया गया। और मौके पर ही हम आपको बता दें कि मौके पर ही सांसद निहाल चंद और डॉक्टर राम प्रताप सिंचाई मंत्री ने वहां पर लोगों की जन समस्याओं को सुना, उनसे रूबरू हुए, उनसे बात की और क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कई समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया। हम आपको बता दें रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ने अपनी एक खबर में इसे पीड़ा समझते हुए प्रमुखता से चलाया था और पुलिस वालों में कहीं ना कहीं इस खबर के बाद खुशी की लहर जागी जब उन्हें यह सूचना दी गई भी अब आपको ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये राहत भरा कदम है जो उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन के बाद मंत्रियों ने जैसा कि हम बता दें सांसद निहाल चंद और मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने आम जन से उनकी समस्याओं को सुना और उनसे रूबरू हुए। हम आपको बता दें रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। सांसद निहाल चंद आज विजयनगर के दौरे पर रहे। विजयनगर पे उन्होंने मंडी समिति को जोड़ने वाली सीसी रोड का लोकार्पण किया और वहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निहाल चंद ने कहा कि मंडी के विकास कार्यों को कभी रुकने नहीं दिया जाएगा और कोई भी किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या हो तो वो हमें बताएं, हम विकास कार्यों में कहीं विजयनगर को पीछे रहने नहीं देंगे। जो मैंने वादे किए वो विजयनगर के लिए निभाए भी हैं। आज श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक हनुमानगढ़ में रखी गई। हनुमानगढ़ में बैठक में सर्वसम्मति से फिर गुरविंदर शर्मा को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया और गुरविंदर शर्मा ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए काफ़ी सदस्यों को पदाधिकारी बनाया और आगे 24 दिसंबर को रक्तदान शिविर के आयोजन करने की बात भी कही। और आपको बता दें श्रमजीवी संगठन काफ़ी लंबे समय से अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और अच्छा कार्य करता हुआ नजर आ रहा है।